घर की दहलीज पर जीत ने कदम चूमे। क्रिकेट के मैदान से सबसे अच्छी खबर, शाहीनों ने साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम को बासानी शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 245 रन पर आउट हो गई। स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। यासिर शाह और नुमान अली ने बल्लेबाजों का पत्ता साफ किया। जीत के लिए पाकिस्तान ने 88 रन का हदफ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल किया। विनिंग शॉट टेस्ट के हीरो फवाद आलम ने लगाया। देर आया दुरुस्त आया। 34 साल के नुमान अली डेब्यू मैच में 5 विकेटों से जायद लेने वाले उम्र रसीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों की मेहनत का समर मिला। पहली इनिंग्स में 2, दूसरी में 5 विकेटें खड़काई। हैदराबाद में मिठाइयां बांटी गई, वालदैन की खुशी से आंसू छलक पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की बहुत शुक्र गुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की है। मेरी फीलिंग, मेरी आंखों आंसुओं से आपको नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान साहिवाल पहुँच गए। सर्किट हाउस में 18 अरब रुपए के मंसूबों पर ब्रीफिंग। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के चेक और किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म जलसे आम से खिताब भी करेंगे। एक माह में पेट्रोल पंप की हैट्रिक की तैयारी। ओग्रा ने कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए भेज दी। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज है। ये किस तरह बात करते हैं आप? आपको कोई तरीका से बात करें? आप भी तरीके से बात करें। आप अपने आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? कौमी असम्बली में ब्रॉडशीट स्कैंडल पर बिला इजाजत बोलने पर इसरार। स्पीकर ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को झाड़ पिला दी। लाहौर में कब्जा छुड़ाओ ऑपरेशन को अफजल खोकर ने घर पर हमला करार देकर तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई। हुकूमत की जानिब से सख्त मुखालिफत, मतवालों ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बाबरवान बोले पार्लियामेंट किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़ुज़ फराहम नहीं करती। पाकिस्तान करप्शन में 124वें नंबर पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने बता दिया कि ये पुरानी रिपोर्ट है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नालायक तरीन हुकूमत आज करप्ट तरीन भी बन गई। एहसन इकबाल बोले प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो चुका। बार कौंसिल वकला बरादरी ने जस्टिस अजमत सईद पर अदम एतमाद कर दिया। हुकूमत मईशत तबाह कर चुकी, एक एक करके इदारे बर्बाद कर रही है। ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अपना घर 12 लाख में पास करवा लिया। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा लाहौर में हर जगह कचरा है, कब तक अपनी नाकामी दूसरी हुकूमतों पर डालेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का रेफरेंस। बीआईएसपी के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान खालिद सब बताने पर तैयार। फरजाना राजा के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। फर्दे जुर्म से पहले एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूशन नाकाम। लियारी का गैंगस्टर उजैर जान बलोच एक के बाद एक मुकदमे से बरी। कराची की मकामी अदालत ने कत्ल के मजीद 2 मुकदमों से क्लीन चिट दे दी। उजैर जान बलोच अब तक 6 मुकदमों से बरी हो चुके। बिलावल हाउस में खुशियों की घड़ियां। बख्तावर भुट्टो जरदारी का निकाह आज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद शरीक होंगे। मुल्तान का नन्ना ड्राइवर नून लीगी एमपीए सरदार अजहर अब्बास का पोता निकला। लैंड क्रूजर का 1 साल से टैक्स तक अदा ना किया गया। ऑनलाइन इम्तिहानात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने सड़क पर धरना दे दिया। बन्नू को हार्ट रोड पर तलबा के मुजाहरे के बायस एम्बुलेंस भी फंस गई। नमल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज रंग लाया। 1 फरवरी से होने वाले इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे, नोटिफिकेशन जारी। शेखुपुरा में पुरानी दुश्मनी मजीद 6 जाने ले गई। मुखालफीन के डेरे में घुसकर फायरिंग, एक शख्स मौके पर ही जान से गया। 5 अस्पताल में दम तोड़ गए। अब तक दोनों बरादरियों के 20 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके। मंडी बहाउद्दीन में एक ही रात में 15 घरों का सफाया करने वाला गैंग पकड़ा गया। 8 मुलजमान से 15 लाख रुपए रकम और असलहा बरामद हुआ। बड़ी कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को हार पहनाए गए। करोड़ा
वायरस मजीद 46 मरीजों की जान ले गया। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1644 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस 32,726 हो गए। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए कौमी एयरलाइन का तैयारा बीजिंग रवाना हो गया। वैक्सीन कल तक पाकिस्तान पहुंचेगी। एयरपोर्ट से ही मुख्तलिफ अस्पतालों को रवाना की जाएगी। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाही डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को तरजीह दी जाएगी। फिजाओं का शहंशाह, चट्टानों का मकीन, बेखौफ शाहीन, जिसे सधाने के लिए करने पड़ते हैं बड़े जतन। कामरान यूसुफ़ज़ई को अपने दादा से मिला बाज परवरी का शौक। शिकारी परिंदे की तरबियत आसान काम नहीं। ट्रस्ट, अगर आप इसको टाइम नहीं देते, आप इसके साथ, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम आपने इसके साथ स्पेंड करना होता है और इसको आपने मुख्तलिफ जगहों पर फिराना होता है, बाजारों में, रश में।